21 तारीख को जब अमेठी से समस्तपुर पश्चिम बिहार जब आरिफ लाया गया था तब उस दिन ज़्यादा दुख हुआ था और आज मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। आज है 25 तारीख और आज जो सारस पक्षी है उसको समस्तपुर पश्चिम बिहार से उठाकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लेकर जा रहे हैं। एक ये देख रहे हैं गाड़ी, देखिए टीम आई है, देखो इसको भर कर लेकर जा रही है। इस तरह से भी रास्ते से मेरे पास वीडियो आया, मैं अभी वहाँ पर लेट हो गया था पहुँचने में और वहाँ पर उसको ले कर निकल लिए थे। देखिए गाड़ी ले कर जा रहे हैं, अब देखिए कितना गलत हो रहा है बताइए। ये सब आस लगा, मैंने कल एक पोल डाला था यूट्यूब पर, उसमें अभी देखा था कि 1900 लोग लगभग वोट किए हैं, उसमें अभी लोग वोट कर भी रहे हैं। कल जो 97% था वो आज 98% है कि हाँ 1900 लोगों में से 98% लोगों ने ये कहा कि जो सारस पक्षी है वो आरिफ के पास रहना चाहिए। 2% लोगों ने कहा है कि हाँ जो सारस पक्षी है वो आरिफ के पास नहीं रहना चाहिए। और इसी सब के बीच में सारस पक्षी जो यहाँ पर रखा गया समस्तपुर पक्षी विहार, पहले दिन वो उड़ के गायब हो गया था, उसकी कोई देख रेख नहीं हुई थी, उसके बाद ना कोई मेडिकल हुआ था ना उसका कोई चेकअप हुआ था। 22 तारीख को उसके बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था कि बसैया नामक गांव में पाया गया है, तो उसको फिर पकड़ के ले आकर एक किचन में अंदर रख दिए थे। वो पिछले 3 दिन से एक बंद कमरे किचन में था। वो बता रहे थे कि जो और सारस यहाँ पर हैं उन्हीं के साथ वो घूमने के लिए निकल गया है, उन्हीं के साथ शाम को आ जाता है। बताइए कितना झूठ बोलते हैं। 22 तारीख के बाद 23, 24, 25 वो उसको एक कमरे में बंद किए थे, उसका ना कोई मेडिकल ना कोई ट्रीटमेंट ना कुछ नहीं। अब आज ये गाड़ी आई है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये इसी से भर कर आई है, पूरी टीम आई है, इसे इतनी सुरक्षा के साथ जा रही है। उसके जब गाड़ी ये जा रही थी उसके पीछे 2-3 गाड़ी जा रही है, उसके आगे 2-3 गाड़ी जा रही है पुलिस वालों की फोर्स की वजह से। उसको एक पक्षी को इस तरह से ले जाया जा रहा है जिसे बता रहा है जिसे उसको आतंकवादी लेके जा रहे हों। बताइए जनता चाहती है कि सारस पक्षी आरिफ के पास रहे, लेकिन ये है कि अब बताइए ये है कि तानाशाही। मेरा सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि इतना गलत काम ना करें। सारी चीज़ों को आप कानून से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। अगर कानून बनाया गया तो इंसानों के लिए ही बनाया गया है। देश की 97% जनता चाहती है कि हाँ जो सारस पक्षी है वो आरिफ के पास होना चाहिए। मैंने अभी एक कमेटी पोस्ट किया था जिसमें यूट्यूब के जरिए सर्वे किया था, इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें पहले 97% कल था कि हाँ लोग बोल रहे थे कि हाँ इसको आरिफ को दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वोट की संख्या बढ़ती जा रही है अब जाके 98% हो गया है कि इसको आरिफ को दे दिया जाना चाहिए। अभी समस्तपुर पश्चिम बिहार में गया था, वीडियो बनाया था, यहाँ से गाड़ी लेकर लखनऊ के लिए चल दी है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, और उसके पीछे पीछे आगे पीछे फोर्स की कई गाड़ियाँ लगी हैं। अब उसको यह है कि लेक तो जा रहे हैं नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान वाली गाड़ी से, उसको अब लेकर कहाँ जाते हैं ये जानना ये होगा कि इसको लेके कहाँ जाते हैं। ये देख रहे हैं गाड़ी लेके जा रही है इसको चल के, मुझे तो भाई बहुत बुरा लग रहा है, ये बहुत गलत हो। और एक बार फिर आज इंसानियत की हार हुई है, कानून और इंसानियत के बीच में जंग चल रही है जिसमें इंसानियत की हार हुई है। देश की 97% जनता ये चाहती है जो सारस पक्षी है वो आरिफ के पास होना चाहिए। कानून का ढांचा देकर जो मैंने देखा था अमेठी के DFO हैं उन्होंने बोला था कि जो सारस पक्षी है वो उनके मतलब कि जब मैं वहाँ पर गया था आरिफ के पास लाने के लिए वो आरिफ के पास जा ही नहीं रहा था, अपना दूर दूर घूम रहा था, वो ऐसा बोल रहे कि हमसे कोई लगाव ही नहीं था। यूपी तक में इस तरह से बात बोल रहे थे जहाँ के अमेठी के DFO हैं, तो जो उनके आरिफ के पास जा नहीं रहा था, जो बाइक चलते हैं तो उड़ता हुआ कई किलोमीटर जाता है, जो उड़ता हुआ कई किलोमीटर आता है, तो वो सब वीडियो जो देख रहे हैं आप क्या झूठ है? आपको हजारों वीडियो पड़ी हैं सोशल मीडिया पर, आपको झूठी दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब उसको मैं लाने गया था बंद गाड़ी में तो आरिफ से कोई मतलब ही नहीं था, और गाड़ी से उड़ के निकलने की कोशिश किया ना, वो बाहर भागने की कोशिश किया, उसको आम जानवरों की तरह वो वहाँ पक्षियों की तरह था वो। बताइए मतलब कि इतने बड़े अधिकारी होकर इस तरह से बातें कर रहे हैं, अब बताइए कि इतना गलत हो रहा है। वहीं पर देखिए कि ये तो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप बताइए क्या सही हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए सही हो रहा है। और ये बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हो सकता है, समझ लीजिए कि लोगों के प्रति गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मैंने कल पब्लिक में यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर लोगों से मैंने बात की तो सभी ने कहा है कि जो सारस पक्षी है वो आरिफ को मिलना चाहिए। मैंने पोल डाला था यूट्यूब पर कम्युनिटी पर, उस पर 97% लोगों ने कहा है। मैंने कल ग्राउंड में जाकर पब्लिक से बीच में पूछा था कि जो सारस पक्षी है वो आरिफ को दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नियम कानून पब्लिक से जनता से बढ़कर होता है ये बताइए। कुछ चीज़ें हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँ, बागेश्वर बालाजी धाम है वहाँ पर लोग जाते हैं झाड़ फूँक होता है जो कानूनी रूप से गलत है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरह सारस पक्षी है, कुछ चीज़ें होती हैं जो दुनिया की एक या दो चीज़ें, उसको कानून से लेकर आप नहीं चल सकते हैं। सारस आरिफ की जो प्रेम कहानी थी ये पूरी दुनिया में सबसे अलग हट के थी, इसको आप उस तरह से राजकीय पक्षी या पालना से लेकर आप नहीं, वो राजकीय पक्षी पालना बिल्कुल गलत है, लेकिन उसको पाला कहीं बांध कर रखते तो आप पालते उसको, चोटिल अवस्था में था, घूम टहलता, लगाव था। बस एक वही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर मिलने चले गए, उसके बाद एक दो छोटे मोटे पत्रकार उनके पीछे लग गए कि हाँ कि उनको जलन होने लगी और कुछ उनके आसपास के लोगों को जलन होने लगी। सारस 25 के माध्यम से आरिफ तो वायरल हो रहा, फेमस हो रहा, उसे देखा नहीं गया। बहुत सारी गायें कट जाती हैं, बहुत सारे जानवर कट जाते हैं। अभी 2 दिन पहले पत्थर गिरा था, मैंने दिखाया था वीडियो, उसमें कम से कम 20 गाय पत्थर में छिल गई थी, ओले पेड़ पूरी छिल गई थी, उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
जहाँ जिस चीज़ को ध्यान देना है उस चीज़ को लोग नहीं ध्यान दे रहे, जिस चीज़ को नहीं ध्यान देना है उस चीज़ को आज तक मैं कह रहा हूँ समस्तपुर पक्षी विहार जो यहाँ पर रखा गया है रायबरेली में, क्या जो लगभग यहाँ से अमेठी लगभग में पड़ता है लगभग 45 किलोमीटर दूर पड़ता है जहाँ पर पक्षी था जहाँ से लाया गया था, तो क्या आज तक कोई पक्षी 45 किलोमीटर दूर लाकर समस्तपुर पक्षी विहार में रखा गया है? केवल एक पॉलिटिकल क्यू, राजनीतिक, हमसे बीजेपी बसपा सपा कांग्रेस किसी से कोई लेना देना नहीं, हिंदू मुस्लिम से केवल मानवता से लेना देना है। बताइए कि वो सब एक मानवता, एक हार्टली एंगेजमेंट था लोगों का, हाँ कि एक पक्षी का प्यार था, किस तरह से खेलता था कूदता था, कितना घुला मिला था, उसका साथ ही नहीं था, हमेशा जोड़े में रहते हैं। अब मान लीजिए उसको लेके जा रहे हैं प्राणी उद्यान वाले, लखनऊ टीम आई है वहाँ से, मैं मानता हूँ कि उसका ये अब क्या ये जो अपना जोड़ा है क्या जोड़ा बना पाएगी? अब मान लीजिए जोड़ा बना भी लेती है तो क्या वो कुछ दिन तक, अब हमें तो नहीं लगता है कि बना पाए। अब वही है कि खाना पीना छोड़ देगा, उसी की वियोग में मर जाएगा। आरिफ तो रह लेगा, वो तो इंसान है, लेकिन वो जानवर है, साफ अच्छी है, वो क्या वो रह पाएगा? आज मुझे भाई बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यहाँ से जब गाड़ी लेके जा रहे हैं इस तरह से मैं देख रहा हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं भाई, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये मानवता की हार है, इंसानियत की हार है। मैं अभी भी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वन विभाग को आदेश दें कि उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। अगर वो आरिफ के साथ रहना चाहता है तो आरिफ के साथ रहे, अगर वो जंगलों में रहना चाहता है तो वहाँ रहे। वो इंसानों के बीच में रहा है, कीड़ा मकोड़ा खाना छोड़ दिया था, वो रोटी सब्जी दाल चावल खाता था, उसका प्रेम अगर वो आदर सारस पक्षियों की तरह थोड़ा हट के है, वो अब पक्षियों के बीच में नहीं रह सकता है, उसकी इस तरह से कंडीशन है। और उसको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, उसको बंद कमरे में 3 दिन रखा गया, उसको अकेले छोड़ दिया था, अगर यहाँ पर वो उनको खोज रहा था, आज उसको बंद गाड़ी में ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे आतंकवादी लेकर जा रहे हों, पीछे 3-4 गाड़ियाँ लगी हैं, आगे 3-4 गाड़ियाँ लगी हैं, उसको पुलिस वाले बैठा के उसको वन विभाग के गार्ड ऐसा लेके जा रहे हैं जैसे वो पक्षी नहीं आतंकवादी हो। बताइए, मुझे बहुत बुरा लगा भाई, मैं आज के बाद आरिफ सारिस के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये इसमें मेन चीज़ इंसानियत की पूरी तरह से हार हुई। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि वो पक्षी को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, उसके साथ ऐसा मिसबिहेव ना किया जाए, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, वो इंसान नहीं है, वो पक्षी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। मैं रोक दे रहा हूँ।